मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमने इससे पहले कहाँ तक सीखा था बच्चों? ए से लेके टी के लेटर्स हमने सीखे थे। तो वापस उसका हम पहले रिवीजन करेंगे, जैसे हर बार हम करते हैं। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट लेटर लेंगे। तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है, मैं लिखूँगी A, B, C, D, E, F, G, पढ़े हैं। इससे पहले इसके रिलेटेड जो भी दूसरे वर्ड्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। और ए से लेके टी तक हमने मिसिंग लेटर, मैच कैसे करना है सेम लेटर, वो सब हमने किए। पर हमारा नेक्स्ट लेटर है कौन सा आएगा बच्चों? यस, यू फॉर अम्ब्रेला। तो जैसे हम यू फॉर अम्ब्रेला बोलते हैं, इससे भी यू से भी कई और भी वर्ड हैं जो हम सीखेंगे। और आपको याद रखना है कि यू फॉर सिर्फ अम्ब्रेला ही नहीं होता है, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूटेंसिल, यू फॉर यू टर्न, यू फॉर अप, यू फॉर अंडर, ऐसे भी कई वर्ड्स होते हैं जो यू से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो यू को हम फोर लाइन की हमारी जो बुक है उनको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम आगे करें। तो मैं यहाँ ही पहले समझा देती हूँ आपको। हमने ऐसे डॉट करके हमें दिया गया होता है, या फिर दो डॉट भी देंगे तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडिंग लाइन जैसे ही करेंगे, फिर थोड़ा उसको कर्व करेंगे, फिर वापस एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया यू, स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व, फिर वापस स्टैंडिंग लाइन। थोड़ा मैं और अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर वापस एक स्टैंडिंग लाइन। तो इसी तरह आपको यू लिखना है। अब हम फोर लाइन में लिखेंगे, तो ये हमारी जैसे नोटबुक की तरह फोर लाइन बनाई है मैंने, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, फिर वापस स्टैंडिंग लाइन। वो नीचे से आपको ऊपर की साइड लेना है, पहले अप डाउन, फिर डाउन से लेके अप। पहले ऊपर से नीचे लाइन करनी है हमें, फिर थोड़ा सा कर्व करना है, फिर वापस हमें ऊपर वाली स्टैंडिंग लाइन पूरी करनी है। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया यू। अभी जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि हम यू के रिलेटेड जितनी भी थोड़े दूसरे वर्ड हैं वो हम थोड़े सीखेंगे। तो मैं पहले जैसे बनाती थी यहाँ पे मैं बनाऊंगी और आपको अच्छे से देखना है और मैं समझाऊंगी कि ये वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मैं वो
टेबल जो हमारा जो हम बनाते हैं वैसे मैं बना देती हूँ। ये है हमारा यू। अब उसके रिलेटेड दूसरे वर्ड जो है वो मैं लिखूंगी। सबसे पहले तो हमने बोल दी यू फॉर अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला। तो ये हमारा हो गया यू फॉर अम्ब्रेला। दूसरा है यू फॉर यूनिफॉर्म, तीसरा है यू फॉर अंकल, चौथा है यूटेंसिल। ये वर्ड आपके लिए नया है पर मैं समझाऊंगी आपको। और पांचवा है अंडर। तो अभी वन बाय वन हम सब वर्ड सब के जो क्या मीनिंग होते हैं वो सीखेंगे बच्चों, फिर हम आगे ओरल करेंगे। ओके, तो यू से पहला जो है वो है अम्ब्रेला। आपको अंदर स्क्रीन पे पिक्चर बताया जाएगा अम्ब्रेला का, तो आप देख सकते हो और मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि यू फॉर क्या होता है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला तो आपको पता है कि आप कौन सी सीज़न में यूज़ करते हो। थ्री सीजन्स जो हमारी है उनमें से जो मॉनसून सीज़न होती है उनमें हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम छाता, जो छाता बोलते हो आप, वो छाता यूज़ करते हैं। छाता को, छाता जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। तो हम इसका यूज़ करते हो और यू उसको यू से स्टार्ट होता है ये, इसीलिए हमने यू से उसको अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला में ऐड किया है। अभी नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म पता है बच्चों आपको, जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा एक ड्रेस कोड होता है, एक सब बच्चों का एक जैसा दिखे कि ये स्कूल के है, तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म होता है। तो सब बच्चे एक जैसे जो कपड़े पहन के आते हैं, जो स्कूल ने डिसाइड किया हुआ होता है, और स्कूल में से कभी कभार स्कूल में से मिलता है, कभी कभार आपको बाज़ार से लाना पड़ता है, पर जो सेम ड्रेस होता है सब बच्चे एक ही जैसे ड्रेसअप करके आते हैं और पहनते हैं स्कूल के अंदर, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म। अभी यू से क्या होता है अंकल, और ये भी यू से स्टार्ट होता है इसीलिए हमने यू फॉर यूनिफॉर्म बोली। अभी नेक्स्ट आएगा यू से अंकल, ये भी यू से स्टार्ट होता है। और अंकल आप किसको बोलते हो, आपके जो पापा हैं, आपके फादर हैं, उनके भाई को आप क्या बोलते हो बेटा, अंकल। पर मैं एक और बात भी बताती हूँ, जैसे आप आपके पापा के भाई को मतलब चाचा को अंकल बोलते हो, उसी तरह आप आपके मामा को, आपके मासा को, आपके मम्मी के रिलेटिव्स में जो मतलब होते हैं उनके, उनको भी आप अंकल बोल सकते हो। जो जेंट्स होते उनको आप क्या बोलते सकते हो, अंकल, चाहे वो पापा के रिलेटिव से हो चाहे वो मम्मी के साइड से, पर आप अंकल सबको बोल सकते हो। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट आएगा यूटेंसिल। आपको पिक्चर बताया जाएगा अंदर कि देखो ये चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये यू से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने यू के अंदर उसको लिया है यूटेंसिल। आप मम्मी जब खाना बनाती है तब आप जाओगे ना किचन में, तो आपको वो जो स्पून होती है, स्पून्स बड़े बड़े जार्स होते हैं, हम लोग चमचा बोलते हैं उसको हमारी लैंग्वेज में, हम आपके जो घर की जो लैंग्वेज है उसमें आप ये बोलते हैं उसको। फिर ये सब ऐसे
जो होती है मम्मी को खाना बनाने के लिए, सालन देने के लिए, फिर राइस देने के लिए जो काम आती है, जो मम्मी चीज़ें यूज़ करती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? यूटेंसिल्स। क्या बोलते हैं? यूटेंसिल्स। उसके बाद आएगा यू फॉर अंडर। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। अगर कोई भी चीज़, कोई भी समझो कि आप लिख रहे हो, बेंच पे बैठ के लिख रहे हो और आपकी पेंसिल नीचे गिर गई, आपकी बेंच के नीचे गिर गई, तो वो जो पेंसिल नीचे गिरी है वो पेंसिल कहाँ गिरी है? तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो कोई भी चीज़ नीचे हो, जार के नीचे कुत्ता बैठा है तो डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो नीचे बैठा है वो, ट्री के नीचे बैठा है। तो नीचे जो होता है, जो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, जो चीज़ नीचे होती है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? अंडर। समझ में आया? वापस हम रिवाइज करते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर अंकल, यू फॉर यूटेंसिल। आप स्क्रीन पे उसके पिक्चर्स भी से देख सकते हो बच्चों। यू फॉर अंडर। तो ये हमारे यू के रिलेटेड दूसरे भी वर्ड हुए जो यू से स्टार्ट होते हैं, जो आपको जानना भी ज़रूरी है और अच्छा है। खाली हम ये नहीं बोल सकते कि यू फॉर अम्ब्रेला ही होता है, दूसरे वर्ड भी आपको जानना ज़रूरी है बच्चों। अब हम करेंगे इसके बाद, जैसे हम हर बार करते हैं, हमारा जो ओरल होता है वो, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा ओरल यहाँ तक ही अभी रहेगा, इससे पहले के जो टॉपिक है वो हम पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर हम दूसरा रिवीजन, दूसरा आगे नया टॉपिक लेंगे। तो उसके लिए हमने इससे पहले क्या किया था बच्चों? संडे मंडे जो हमारे डेज ऑफ द वीक है, वो मंथ्स ऑफ द ईयर है, वो किए थे। थ्री सीजन्स नेम किए थे। फिर और क्या किया था हमने? बस वहाँ तक हमारा रिवीजन हुआ था। अभी नेक्स्ट पे हमारा जो टॉपिक है, जो हमने पहले किया था और उसका रिवीजन हम वापस करेंगे, वो है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बच्चों कोई बताएगा मुझे कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको हम डोमेस्टिक क्यों बोलते हैं? तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम घर पे पाल सकते हैं, जो हमें नुकसान या हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाते, जो हमारे कुछ न कुछ तो काम आते ही है, तो वो जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वो एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स, जो हमारे खेतों में या हमारे घर पे भी हम रख सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ पहले, फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। या पहले हम ऐड कर लेते हैं, हमारा यू लेटर हो गया है ना, तो हम यू को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐसे यू तक हो जाएगा हमारा अल्फाबेट। अभी यार देखो बच्चों, ये डोमेस्टिक एनिमल्स, मैं उसके नाम लिख देती हूँ। ओके बच्चों, तो ये हमारे हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो आप मेरे पीछे रिपीट करोगे बच्चों? वेरी गुड। डोमेस्टिक एनिमल्स,
डॉग, कैट, ऑक्स, बफेलो, गॉट, शीप, हॉर्स, कैमल। तो ये सब हमारे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। उसके बाद हमने किए थे वाइल्ड एनिमल, क्योंकि उनको हम वाइल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें खा जाते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमने उनको जंगल तक ही रखा है, जंगल तक रखा है, हम यहाँ नहीं आने देते, क्योंकि वो इंसान को हमें नुकसान पहुँचाएंगे। इसीलिए उनको वाइल्ड में रखा, फॉरेस्ट में रखा, जंगल में रखा है। तो उनके नाम में लिख दूँ, फिर हम रिवीजन करेंगे। अभी आए हमारे वाइल्ड एनिमल्स। तो स्क्रीन पे आपको वाइल्ड एनिमल के पिक्चर्स भी दिखेंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ हम उनके नाम बोलेंगे, लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, फॉक्स। तो ये सब हमारे वाइल्ड एनिमल हैं। सबसे पहले हम मैं बोलूँगी, फिर आपको पीछे बोलना है। वाइल्ड एनिमल्स, लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, फॉक्स। तो बच्चों, आपको हमने रिवीजन करवा दिया है, अभी आप अच्छे से वीडियो में देख के उसका रिवीजन करते रहना, ताकि आपको याद रहे, भूल ना जाओ। और जो लेटर हमने ए से लेके यू तक किए हैं, वो भी आपको कैसे अच्छे से लिखने हैं, और मैंने फोर लाइन की बुक में आपको सिखाया भी है यहाँ ड्रॉ करके कि कैसे लिखना है। तो हम अच्छे से लिखेंगे, जब नोटबुक में देंगे तो अच्छे से लाइन मेंटेन करके लिखेंगे। थैंक यू।